तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके जी अपने YouTube चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉक में। आज आपके लिए एक नया वैकेंसी लेकर आया हूं जी, बीएसएफ का, बीएसएफ एयर विंग का वैकेंसी होने वाला है। कितनी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, आपका उम्र क्या मांग रहा है, फीस कितने रहने वाले हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, किस पोस्ट के हिसाब से सैलरी क्या होने वाली, ए टू जेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके जो डाउट रहेंगे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखिए आज का वीडियो क्या होने वाला है, बीएसएफ एयर विंग इंजीनियरिंग भर्ती 2024 की भर्ती है। इसमें अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग वैकेंसी दी गई है, यानी टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 82 पोस्ट होने वाला है। अब आप 82 पोस्ट यानी 82 पोस्ट देख के ये ना सोचे कि यार वैकेंसी में सिर्फ 82 पोस्ट है, इसको अप्लाई ना करें। देखिए आपको अगर जॉब लेना है तो चाहे 2 सीट है या 10,000 सीट है, आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कॉम्पिटिशन में फाइट करना है, तब जाके आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो अच्छा मौका मिलता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं यार कम सीट है, नहीं अप्लाई करते हैं, तो जिसमें ज्यादा सीटें होती है उसमें कंपटीशन ज्यादा होता है, जिसमें कम होता है थोड़ा कंपटीशन कम होता है, लेकिन उसमें आपको अप्लाई करना है। अब आपको देखिए 82 सीट हो गया, अप्लाई की बात कर लेता हूँ ना, तो आपको देखिए 16 मार्च से आपका अप्लाई शुरू हो जाएगा, जो कि 15 अप्रैल तक आपका अप्लाई चलेगा, लास्ट डेट है 15 अप्रैल तक। ठीक है, इसमें देखिए फीस की बात कर लेता हूँ ना, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रूपये का फीस रखा गया है, एससी एसटी और ऑल कैटेगरी की महिलाओं के लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी की महिला है उसके लिए 0 रूपये का फीस रखा गया है, यानी नाम मात्रा के बराबर आपका फीस रखा है, 100 रूपये का है जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, महिलाओं के लिए एससी एसटी के लिए तो है ही नहीं, तो इसको आप प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा, 100 रूपये कुछ ज्यादा भी नहीं होता है, और 0 रूपये का फीस है फीमेल के लिए। उम्र की देखिए इसमें बात कर लेते हैं ना, इसमें 18 साल से लेकर 30 साल तक आपका उम्र रखा गया है, जिसमें 3 साल और 5 साल का छूट रखा दिया गया है आपको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, यानी ओबीसी के लिए 3 साल का और एससी एसटी के लिए 5 साल का आपको छूट दिया गया है। आइए आपको बात करता हूँ आपका एज कब से काउंट होगा, तो 15 अप्रैल 2024 के आधार पे आपका इसका एज काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें देखिए छोटी सी बात करते हैं, इसमें चयन की पहले प्रक्रिया देख लीजिए, इसमें चयन देखिए रिटर्न है पहले, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद से मेडिकल, यानी इसमें आपको फिजिकल वगैरह कुछ नहीं है, आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और मेडिकल होने वाला है। ठीक है ना, उसके बाद से आगे बात करते, इसमें अप्लाई करते समय आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, देखिए 10वीं और 12वीं का मार्कशीट लगेगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगेगा, कुछ पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा है उनके लिए डिप्लोमा लगेगा, जिसमें पोस्ट डिप्लोमा का नहीं है वो नहीं लगेगा। ठीक है, डिप्लोमा प्लस ITI। ठीक है ना, उसके बाद से फोटो और सिग्नेचर लगेगा, जाति और निवास लगने वाला है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी लगने वाला है, और अगर छूट जाते हैं तो और कोई डॉक्यूमेंट हो जिसमें आप छूट प्राप्त करना चाहेंगे तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका हमने देखिए नोटिफिकेशन शॉर्टलिस्ट निकला हुआ दिखा रहे हैं, साइड में देख लीजिए। चलिए ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट में, अब बात कर रहे थे आपका देखिए पोस्ट कितने होने वाला है और किस पोस्ट में क्या योग्यता मांग रहा है, उम्र के हिसाब से बता देते हैं। ये जो उम्र था 18 से लेकर 30 साल का, ये सबका काउंटिंग था, इसमें क्या है 18 से लेकर 25 साल भी है, 28 साल भी है, तो मिनिमम क्या है 18 से लेकर जो हमने 30 साल डाला है उसमें अगर ये ऐड कर लेते हैं तो 33-34 साल भी हो जाएगा। तो चलिए पहले देख लीजिए इसमें क्या 3 कैटेगरी में रखा हुआ है, एक तो रखा है ईयर विंग, ठीक है ना, ईयर विंग में उम्र कितना रखा गया है 18 से लेकर 28 साल तक, 3 साल और 5 साल इसमें भी छूट दिया गया है। तो फर्स्ट में देखिए ASI, ठीक है ना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एयरक्राफ्ट मैकेनिक, ठीक है ना, 8 पोस्ट है जिसमें योग्यता क्या है आपकी 10वीं 12वीं तो चाहिए, साथ में आपको डिप्लोमा इन ट्रेड, आप जिस भी ट्रेड से है उसका आपको डिप्लोमा चाहिए। दूसरा है ASI, ठीक है ना, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियो मैकेनिक, 11 पोस्ट होने वाला है, सेम होने वाला अपना डिप्लोमा इन द ट्रेड, जो भी आपका ट्रेड है उससे डिप्लोमा किए हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका सिटी स्टोरमैन, ठीक है ना, सिटी स्टोरमैन यानी कांस्टेबल स्टोरमैन, इसमें क्या है कुछ नहीं है, सिर्फ देखिए 3 पोस्ट है, 18 से लेकर 25 साल, 3 साल का जो छूट है, 5 साल छूट है, सिर्फ इसमें क्या है 10वीं पास, ठीक है ना, इसमें सिर्फ
दसवीं पास आपको आईटीआई वगैरह कुछ जरूरत नहीं है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा मौका है इसमें इंस्टॉलमेंट में अप्लाई करने के लिए। कांस्टेबल के लिए सिर्फ दसवीं पास है, इसमें आपको फिजिकल भी नहीं है, ठीक है ना। और टोटल पोस्ट कितना है आपको, 22 पोस्ट रहने वाला है ईयर विंग में। अब बात करते हैं इसमें ग्रुप बी में। ग्रुप बी में देख लीजिए उम्र क्या है, 18 से लेकर 30 साल, 3 साल और 5 साल का छूट है ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए। ठीक है, ए साइज यानी सब इंस्पेक्टर वर्क के लिए आपको 13 पोस्ट है, जिसमें आपका योग्यता देखिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। आपको डिप्लोमा और सिविल इंजीनियर, अब ये मत बोलिएगा सर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर बोल रहा है, यानी दसवीं बारहवीं आपका होना चाहिए, दसवीं बारहवीं के बाद तो ही आप डिप्लोमा कर पाएंगे ना, तो दसवीं बारहवीं होने चाहिए, उसके बाद से उसके साथ में डिप्लोमा और सिविल इंजीनियरिंग से किया हुआ हो। उसके बाद से क्या है एसआई, ठीक है ना, जूनियर इंजीनियर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, 9 पोस्ट है आपको डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए इंजीनियर, ठीक है ना। टोटल इसमें क्या है ग्रुप बी में 22 सीट है। अब बात कर रहे थे आपका ग्रुप सी में। ग्रुप सी में भी उम्र देखिए 18 से लेकर 25 साल का उम्र रखा गया है, जिसमें 3 साल और 5 साल का आपको छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है। इसमें देखिए क्या है, हेड कांस्टेबल प्लम्बर, हेड कांस्टेबल प्लम्बर, ठीक है ना, दसवीं पास आईटीआई, 3 साल का प्लम्बर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना, दसवीं पास आईटीआई और 3 साल का आपके पास प्लम्बर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें टोटल 1 सीट है। वही बात कर रहे थे आपका हेड कांस्टेबल कारपेंटर का, ठीक है ना, हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए, तो इसमें भी 1 सीट है, ठीक है ना, इसमें भी दसवीं पास आईटीआई और 3 साल का कारपेंटर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको तीसरा बात करता है कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल का होगा कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, जो जनरेटर होगा देखे ना उसको ऑपरेटिंग करने के लिए। तो देखिए दसवीं तो आपको चाहिए, आईटीआई चाहिए ही, ठीक है ना, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन किया हो, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन किया हो, डीजल और क्या एक मोटर मैकेनिक, ठीक है ना, मोटर मैकेनिक इसमें से कोई भी किया हो आप और आईटीआई किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए 13 सीट है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर रहे थे आपका चौथा है कांस्टेबल, ठीक है ना, जनरेटर, ठीक है, ऑपरेटर मैकेनिक, ठीक है ना, 14 पोस्ट है इसमें, 14 पोस्ट है इसमें भी आपको दसवीं आईटीआई, ठीक है, उसके बाद से डीजल मोटर मैकेनिक 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, इसको फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रह गया नंबर 5 पे है कांस्टेबल लाइनमैन, ठीक है ना, कांस्टेबल लाइनमैन के लिए है, टोटल 9 पोस्ट है, ठीक है, दसवीं पास आईटीआई इलेक्ट्रिकल, ठीक है, वायरमैन लाइनमैन 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। तो ये जो भर्ती है पोस्ट देखने में ये आपको कम दिख रहा है, लेकिन सिलेक्शन लेने में आपको कहीं ना कहीं बहुत फायदा दिला सकता है, क्योंकि जिसमें पोस्ट कम होती है उसमें बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको चुपके फॉर्म अप्लाई कर देना है, 100 रुपए का फीस है, कोई ज्यादा नहीं है। वो भी किसके लिए है, जनरल ओबीसी के लिए है, एससी एसटी वाले के लिए 0 है, तो ऐसे ही डाल दो फॉर्म, ठीक है ना। तो ये आपको 16 मार्च से यानी कल से आपको फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा, 15 अप्रैल तक चलेगा ये। अब कल कब से अप्लाई होगा तो हमको लग रहा है शाम से अप्लाई होगा, क्योंकि अभी शॉर्ट लिस्ट किया है उसको ऑफिशियल अभी नहीं किया है, कल से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो आप 16 हो जाए तो 17-18 के बाद भी आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फिजिकल वगैरह है नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपका जो भी है आपका रिटर्न के एग्जाम पे ही आपका मेरिट बनने वाला है, ठीक है ना। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट थे बता दिया हमने। अब इसमें देखिए जो ये जितने भी पोस्ट है ना इसमें अच्छा खासा इसमें सैलरी मिलने वाला है। अब ये स्टोरमैन है जो आपका क्या है ग्रुप सी का वैकेंसी कांस्टेबल के लिए है, तो आपको कितना है 21,700 से स्टार्ट है मिनिमम, ठीक है, ये आपको कम से कम 56 तक ऐसे जाएगा मिनिमम, आपको 77 तक चला जाता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपका बढ़ते जाता है। अब ये सब जो है ना एयरक्राफ्ट के लिए, एसआई के लिए, आपके एसआई वर्क के लिए, इनका जो पेमेंट देखिएगा ना तो आपको मिनिमम कम से कम 46,000 से 1,20,000 तक
ये पेमेंट जाता है, इसमें अच्छा खासा पेमेंट दिया है, पेमेंट के लिए हमने नहीं लिख पाया है, हालांकि नोटिफिकेशन दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा, तो जाकर फटाफट से अप्लाई कर लीजिएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट की क्वेरी हो अगर नहीं है तो समय है अभी आपके पास, एक महीने का समय है, उसके बीच में अप्लाई करके आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते थे। तो यही बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी ज्यादा शेयर कर दे, ठीक है, लाइक करे, और आपका जो भी डाउट है तो कमेंट कर दे। और आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले क्लिक पे भी कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।